भाई मम्मी ने खाना निकाल दिया, सिर्फ भरता कह रही खाली भरता खाओ, तो गलत बात है। सौरभ को थोड़ा दो, गौरव को ज्यादा दो। मैं गौरव हूँ, सौरभ बाहर है और हमने भरता ले लिया। अभी गर्मा गर्म लिट्टी है, गर्मा गर्म डूबी। मैं कैसे ले जाऊँ, आप आ जाओ। एक हाथ मैंने व्लॉग ही ले लिया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और बारिश बहुत तेज हो रही है, नाइट हो गई है, यहाँ का मौसम बहुत चेंज हो गया अचानक से। अभी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। बारिश तेज है, मैं हाथ से देख रहा हूँ। मेरी बाइक पूरी भीग गई है गाइस, बाइक पूरी भीग गई है और बारिश लगातार कंटिन्यू हो रही है। पता नहीं रुकेगी कि नहीं रुकेगी, मैं घर जा पाऊँगा कि नहीं। और हवा बहुत प्यारी है भैया। गाइस तो मैं आ गया अंदर, बारिश कंटिन्यू हो रही है। अभी पीछे देखो पूरा गीला हो गया, बाइक मेरी खड़ी है। और मैं जब तक अंदर थोड़ा पंखे के नीचे बैठ जाऊँ, भीग गया हूँ, शर्ट हल्की हल्की भीग गई है। बारिश अचानक से हुई है, अचानक से तेज़ हुई है। देखो मैं भीग गया हूँ, ये देखो ये चिट्टे पड़ गए। मैं अंदर आ गया हूँ, मेरे तो यार हेयर भी गीले हो गए थे। और मैं फिर बाहर जाऊँ कि नहीं, फिर जाता हूँ। सन्नाटा भाई, बारिश में भी सन्नाटा हो जाता है। काम करने जा रहा हूँ, मैं जाता हूँ बारिश में, देखता हूँ कितनी तेज़ हो रही, भीग के आता हूँ। बस ज़्यादा नहीं, मैं आ गया अंदर। देखो कितना भीग गया, देखो पैंट भी भीग गई मेरी। सिर्फ आने और जाने में इतना हो गया, मैं दोबारा नहीं जाऊँगा ना तो कीचड़ होगा पूरा भाई। एक चीज़ दिखाता हूँ ना, देखो भीग के जा रही है, भैंसे हैं आ रही है, दोनों खड़ी हैं यार, जा नहीं रही, वापस चली गई भाई। अब मैं निकलूँगा घर, बारिश जब बंद होगी तो मेरा टाइम हो जाएगा। यहाँ पे ढेर सारी भैंस जा रही हैं, देखो पूरा रास्ता जाम कर देती, बहुत बुफैलोज हैं यहाँ। बारिश में मैं घूम रही हूँ, बस मैं भी बैठ जाऊँ, बारिश बहुत हो रही भाई बाहर। बस ये रुक जाए मेरे टाइम पे, जब घर जाऊँगा मैं तो भीग जाऊँगा। मैं रेनकोट को कुछ नहीं लेके आया हूँ, आज मौसम एकदम बेकार था, अचानक से बारिश होने लगी। मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ बिकॉज 8 बजने वाले और बारिश अभी तक हो रही है। जब से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है वो 7 बजे रहते और 1 घंटे के ऊपर अप्रॉक्स हो रहा है, बारिश हो रही है। मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि रेनकोट लेके तो आया नहीं हूँ, मैं अभी दिखाता हूँ। मैं बाहर आ गया हूँ, बारिश हो रही कंटिन्यू। देखो अभी हाथ दिखाता हूँ, अब रुकेगी तो मैं निकलूँगा। वैसे भी धीरे है, निकल सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ अंदर तो कैमरा मेरा भीग जाएगा, वाटरप्रूफ है नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। और बारिश तो हो रही है, अब मैं निकल रहा हूँ घर, पैक करूँगा। अगर हल्का हल्का भी भीगूँगा तो ठीक है, घर पहुँचना है बस। ओवरऑल टाइम देखिए 20:02, 8 बज गए हैं, बारिश बंद नहीं हो रही है। और मुझे ना ये वाली पॉलीथीन लेनी पड़ेगी जिसमें लोग सैंपल भिजवाते हैं, ये तो इसमें मैं अपना मोबाइल रखूँगा, इसको आराम से खोल लेते हैं और इसके अंदर मोबाइल आ जाएगा तो वाटरप्रूफ का काम करेगी ये पैकेट। क्योंकि रास्ते में यार मुझे कम से कम 10 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल करना है तो बाइक में, ऊपर से रेनकोट है नहीं है। बैग जितना वाटरप्रूफ था वो अपना काम करेगा, बट ये जो पॉलीथीन है ना ये काम ज़रूर करेगी। क्योंकि बिकॉज ये जो है एयर टाइट होती है, इसमें कोई वाटर नहीं जा सकता। तो मैं जा रहा हूँ, फिर इसको इसमें रख लूँ मोबाइल में और फिर अभी निकलेंगे। ये वाला मैंने ले लिया पैकेट, अब इसमें मैं रखने जा रहा हूँ सर मोबाइल को। एकदम ब्लर हो गया भाई, पैकेट के अंदर आ गया, मैंने इसे बंद कर दिया है। गाइस मैंने चाबी ले ली है, बैग भी रेडी है, हेलमेट भी है, अब बॉटल लेनी है। और ना मैं क्या कह रहा था, अभी जो हम निकलेंगे तो अभी तो लोग सूखे हुए ड्राई हैं, बाहर हल्की बारिश है, घर जाके देखेंगे कितना भीगे हैं, मतलब कितना बारिश हो रही है और कपड़े हमारे कैसे हैं। अभी तो एकदम सूखे ड्राई हैं, देख लीजिए। मैं पहले पानी पी लूँ तो मैं अब निकल रहा हूँ, हेलमेट ले तो बैग। गाइस बारिश तो रुकेगी नहीं, भाई का फॉल आया था, हम लोग साथ में जाएंगे। बस मैंने क्या किया, इस पर्स को अपने पर्स और हैंकी को इस पन्नी में रख दिया, पॉकेट में रख दे रहा हूँ। और ये तो भीगेगा नहीं, ये तो सेफ़ हो गया है, एयर टाइट हो गया, ठीक है। अब जो मैं दो पन्नी जो है, दो पॉलीथिन अपने भाई के लिए ले रहा हूँ, वो भी मोबाइल पर्स रख लेगा, और एक ही मैं मोबाइल रखता हूँ और निकलते हैं।
पहले मैं पॉलीथीन रख लूँ। अब बारिश रुकने का नाम नहीं लेगी क्योंकि बारिश यहाँ एक घंटे से कंटिन्यू है और वो कंटिन्यू रहेगी। अब घर जाके बस ये देखना है कि हम लोग कितने भीगे हैं, और मैं अपनी वॉच भी निकाल दूँ, मैं तो भूल गया था, मैं वॉच को भी निकाल दे रहा हूँ और इसको भी इस पन्नी में रख दूँगा। और गाइस अब मिलते हैं हम लोग घर पे। गाइस फाइनली घर पहुँचे, देखो पूरा भीग कर रही, पूरा पैंट देखो तुम गीली हो गई है, जाऊँ चेंज कर लूँ। और सब लोग सो रहे, लाइट ही नहीं आ रही बता रहे, पूरा भीग के तो मैं चलूँ चेंज कर लूँ और लाइट आएगी फिर हम लोग मिलते हैं। गाइस फाइनली लाइट भी बहुत मुश्किल से जला रहे, मैटर बैठ जाएगा, 5 घंटे से लाइट नहीं, सब बता रहे, मैंने तो चेंज कर लिया, देखो लाइट बिल्कुल नहीं है। ये हाय गाइस, ये लाइट है, और ये देखो ये हमारा भोंदू लेटा हुआ है, भोंदू लाइट बंद कर दो। तो गाइस लाइट बंद कर दे रहे, लाइट बंद कर दो सोमा, कर रहा हूं। लाइट बंद कर दो, मैग्नेटिक लाइट जब तक है तब तक ब्लॉग कंटिन्यू होगा। खाना आज क्या बना है पता नहीं मुझे, और यार पूरा भीग गए हम लोग सच में, वो कैसा लग रहा है हॉरर मूवी पीछे एकदम पीछे। मैं अभी मैग्नेटिक लाइट बंद करूं, नहीं ये देखो। तो गाइस मेरी मैग्नेटिक लाइट बहुत साथ दे रही है बिकॉज लाइट है नहीं है, लाइट है तो मैटर जब चला। मैंने कमरे की लाइट जलाए थे, पूरा पंखी आ गई जो बारिश में उड़ती, और तो मान मैं आया ना गेट, मैंने कहा पापा ने क्यों जला, मैंने कहा क्यों लाइट बंद करो, लाइट नहीं है, इन्वर्टर है। तो कह रहे हैं कि अब पता लगा कि 4-5 घंटे से लाइट नहीं है, इसीलिए बंद थी। क्या आया था सुनाओ, आज स्कूल से आए मार खा गई सुनो, तो आज स्कूल से वापस आए ना इतनी भयंकर बारिश हो रही, तो मजा आया। तो वो तो कितने बजे आई थी, 5 बजे, 5 बजे कितने बजे आई है टाइम बताओ, टाइम 4 बजे, 4 बजे से बारिश हो रही है यहाँ, 4 बजे से बारिश हो रही है। हाँ 3 दिन हम लोग के तरफ तो 4:30 बजे 6-7 बजे सो रही थी, मेरी बात ही नहीं सुनना। हाँ 3 बजे तुम क्या हो गई, क्या बता रही थी, 3 दिन 4:30 बजे आएंगे, 3 दिन 4 बजे आएंगे। चलो कोई बात नहीं, आधा घंटे तो फर्क है, लोग सुबह नहीं लेते, लोग का काम नहीं होता। तो चले गए जब खाने में, देखते हैं क्या बना है, खाने खाएंगे लिट्टी चोखा। मेरा पेट है, दबाओ मत, क्या खा के आया आज सच सच कुछ नहीं यार, झूठे नहीं यार, बारिश में जा खाएंगे तो मुझे अपना मोबाइल तो निकाल दिया बैग। हाँ मम्मी बोलो, तो चले अब दूध पी लेंगे, तो फ्रिज में लाइट नहीं आ रही, फ्रिज में खराब हो जाएगा, इसलिए आज हमको मिल्क अभी पीना है। तो बस करो जाओ नहा के आओ, छी छी इतनी बारिश हो रही है, मम्मी ने ये बनाया लिट्टी चोखा, बाटी चोखा इससे बोलते हैं, बाटी तुम्हारी बन गई गर्मा गर्म, चोखा बन रहा है और अब मज़ा आ जाएगा डिनर करने का। बारिश और ये मक्खन है, होम मेड मक्खन है, टेस्ट करता हूँ, थोड़ा दे लो। हाँ हाँ बिल्कुल ले लो, घर में बनाए बढ़िया। तो भाई मम्मी ने खाना निकाल दिया, सिर्फ भरता कह रही खाली भरता खा, मतलब गलत बात है, सौरभ को थोड़ा दो, गौरव को ज़्यादा दो, मैं गौरव हूँ सौरभ बाहर है, और हमने भरता ले लिया अभी गर्मा गर्म लिट्टी नहीं, हाँ गर्मा गर्म टूटी हुई, मैं कैसे ले जाऊँ, आप आ जाओ, एक हाथ मैंने व्लॉगिंग के लिए है, चलो खाना खा लो, तो बैठ के टेस्ट करते हैं। नहीं बैठ गया, अब टेस्ट करते हैं बढ़िया गर्मा गर्म बाटी चोखा, और पहले मैं ले ले रहा हूँ, तोड़ दे रहा हूँ, अभी मैं खाया नहीं, इसको खिलाओ पहले, तो यार ये टूट जाए, टूट गया गर्मा गर्म, तो मैंने इसको तोड़ दिया, देखने में तो मस्त लग रहा है, अंदर स्टफिंग बहुत प्यारी है, तो मैंने अब इसको डिप कर दिया भरते में, अब मैं जा रहा हूँ पहली बाइट लेने। जिसमें स्टफिंग है बहुत टेस्टी भाई, ये जो है येलो येलो, तो हम लोग खाना खा लें तो फिर मिलते हैं। फाइनली डिनर हो गया, बहुत अच्छा बना था, इसको अच्छा नहीं लगा, अच्छा लगा था शक्ल बता रही है, अच्छी मिली ना मम्मी, आपने डिनर बहुत अच्छा बनाया, मम्मी नहीं थी मेरे। तो गाइस ब्लॉग अब लोग यहीं ख़त्म कर रहे हैं, मिलेंगे प्यारे से नेक्स्ट ब्लॉग में, कल सुबह, बाय बाय।